हे व्हाट्स अप गाइस, यार कैसे हैं सब लोग, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। गाइस पिछला एपिसोड में आपने देखा था कि हम विलेजर को उनके घर में छोड़ दिया था। गाइस हमें वो बहुत दूर से आए थे। गाइस वो बीच में मैंने काट दिया था। गाइस यार मैं विलेजर्स को लेके आ गया था। गाइस अब से विलेजर भी हमारे यहाँ। गाइस आज मैं अपना डायमंड का आर्मर मुझे मिल जाएगा। और गाइस हाँ, मैंने अपनी डायमंड की जो पिकैक्स थी ना वो डिसएन्चेंट करके फिर से एन्चेंट कर ली, उसमें फॉर्चून 3 लगा दिया। सो गाइस यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ब्लेज रोड कहाँ से आई। सो गाइस मैंने नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ लिया। सो गाइस मैं उसे ढूंढने गया था तो यार मिल गया था। सो गाइस वहाँ से मैं बहुत सारी ब्लेज रोड लेके आया और यार नेदर फोर्ट भी लेके आया हूँ, तो यार मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइस यार आज मैं अपना डायमंड का आर्मर फाइनली बना लूँगा, क्योंकि यार मैंने पहले से डायमंड के ढूंढ के रखे हैं। और गाइस इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में ही अपनी फॉर्चून 3 से डायमंड का आर्मर बनाया जाए। सो गाइस चलो यार जल्दी से चलते हैं नीचे और डायमंड को माइन करते हैं और देखते हैं यार हमें कितने मिलेंगे। सो गाइस वो शायद 9-10 वो है और डायमंड के। सो गाइस पता नहीं यार कितने मिलेंगे, उसके फॉर्चून से तो डबल मिलता है। सो गाइस दिख रहे होंगे यहीं से आपको डायमंड दिख गए होंगे भाई ये रे। सो गाइस यहीं पे है। सो गाइस बहुत ज़्यादा पास थे। सो गाइस चलो यार इसे माइन करना शुरू करते हैं। और गाइस जो भी चैनल पर नया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस चलो यार माइन करते हैं फॉर्चून 3 से। गाइस 4 डायमंड एक के बदले, देखते हैं भाई ये कितने हैं। एक ही मिला इसमें, चलो यार कुछ नहीं होता। सो गाइस अभी भी नहीं बनेगा मेरा आर्मर। तो गाइस मैंने पहले से यहाँ पे बहुत सारे डायमंड ढूंढ के रखे हैं, तो यार यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे तो गाइस 13 डायमंड। वाह यार आज तो बन जाएगा मेरा आर्मर। 10 वहाँ पे भी है। सो गाइस 18 डायमंड्स। गाइस हमारा आर्मर बन गया, मतलब क्योंकि वो 11 वहाँ पे रखे हैं मेरी स्टोरेज बॉक्स में। सो गाइस फाइनली मैं डायमंड का आर्मर बना लूँगा भाई। तो यार मैंने इतने पहले से ही ढूंढ के रखा था ताकि मैं फॉर्चून 3 से तोड़ूँ। सो गाइस मुझे 18 डायमंड मिले और शायद वो 9-10 थे तो मुझे थोड़े से डबल मिले हैं। तो यार जल्दी से चलते हैं और अपना आर्मर बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई फाइनली हम बना सकते हैं। तो यार जल्दी से बनाते हैं। और गाइस जो भी चैनल पर नया तो कर देना यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो यार चलो यार इसे खोलते हैं भाई, अंदर चलते हैं। और हाँ गाइस मैं एक एडवेंचर में भी गया था फॉर इस डॉगी के लिए। सो गाइस 2 डॉगी हो चुके हैं हमारे पास। तो यार मैं रुक जाओ यार, डायमंड तो ऊपर है, तो चलो यार नीचे चलते हैं। और गाइस सब्सक्राइब ना कराओ तो यार प्लीज़ यार कर देना। तो यार यहाँ से डायमंड उठाते हैं गाइस 11 डायमंड और इन्हें नीचे लेके चलते हैं। नहीं यार यहीं पे बना के डायमंड भी रख देना दे। सो गाइस शायद मेरे पास 5 डायमंड बचेंगे आर्मर बनाने के पास। एक डायमंड की चेस्ट प्लेट, लेगिन, बूट। तो चलो यार फाइनली हमारा पूरा डायमंड का आर्मर आ चुका है। तो यार मैं अभी पहन के भी दिखाऊंगा। सो गाइस 5 डायमंड बचे हैं, तो यार पहन के दिखाता हूँ यार भाई कितना ज़्यादा खतरनाक लगेगा। मैं इसे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए संभाल के रखूँगा। सो गाइस ये रहा मेरा डायमंड आर्मर। सो गाइस इसे मैं उतार के वापस अपना वही पहन लेता हूँ वापस से, क्योंकि यही पहनना सही रहेगा भाई अभी के लिए। तो मेरे पास एक और चैन हेलमेट है, पता नहीं कैसा है। तो यार जल्दी से चलते हैं भाई, अभी तो रात भी हो रही है, वैसे भी क्या होगा भाई, मैं तो घर में हूँ। तो यार मैं अपने अंडरग्राउंड बेस में जाता हूँ। और हाँ गाइस मैंने अपनी बहुत सारी एन्चेंटमेंट भी कर लिया, आपको दिखा देता हूँ भाई। तो यार मुझे आयरन वाली पिकैक्स पे सिल्टा चुन ली थी, इसलिए मैंने उसे डिसएन्चेंट कर लिया था। और गाइस मेरी ये वाली गाइस ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। इसमें लग रहा है लूटिंग 2। और गाइस विलेजर मुझे लूटिंग 3 भी दे रहा है, तो यार वो भी लूँगा। सो गाइस शार्पनेस 3, फायर एक्सपर्ट 2, और मेंडिंग और नॉक बैक। सो गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है ये वाली सोड, तो यार इसे वापस रखते हैं। और ये कौन सी है, फेदर फॉलिंग और लॉयलिटी वाली। सो गाइस चलो यार अपना ये डायमंड का आर्मर यहीं पर रखते हैं। और गाइस जिसने भी सब्सक्राइब ना करा हो तो यार जल्दी से जाया कर दो, क्योंकि यार आज वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो गाइस हमने फाइनली अपना डायमंड का आर्मर बना लिया, तो यार इसे एन्चेंट भी करेंगे। पहले यार मैं सो जाता हूँ अगर रात हो रही हो तो मैं सोच रहा हूँ बाहर जाके विलेजर के पास चलते हैं भाई।
वहाँ पे गाइस मैंने एक आयरन गोलम अपना खुद का स्पॉन कर दिया था, वरना तो यार अगर गलती से कहीं पे से भी जोम्बी आ जाता तो यार सारे जोम्बी विलेजर बन जाते, फिर मुझे उन्हें करना पड़ता। सो गाइस मैं किसी और वीडियो में आपको नेदर फोर्ट्रेस भी दिखाऊंगा। सो गाइस मैं ज़रूर जाऊँगा अगली बार। मैं तो गाइस ऑफलाइन में सोच रहा था कि एक्सप्लोर करने चलता है, पर यार वो मेरे पोर्टल से 1000 ब्लॉक्स दूर है, तो यार इसलिए मैं गाइस ये रहा, ये मैंने स्पॉन करा है, तो यार ये रे विलेजर। और गाइस हाँ गाइस मुझे कार्टोग्राफर वो दे रहा है, क्या कहते हैं, एक ओशन मॉन्यूमेंट का मैप और वुडलैंड मेंशन का पता नहीं। सो गाइस ये रहा ओशन मॉन्यूमेंट, सो गाइस दोनों ओशन मॉन्यूमेंट दे रहे हैं। सो गाइस ये रहा मेरा लाइब्रेरियन, तो यार मैं आपको दिखाता हूँ भाई लाइब्रेरियन भाई क्या डील कर रहा है, भाई बहुत बढ़िया डील कर रहा है। सो गाइस ये दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस ये देखिए गाइस लूटिंग थ्री। सो गाइस ये मुझे ज़रूर लेनी है, तो यार यहाँ पे बहुत सारे विलेजर है, तो यार कुछ ज़्यादा ही ग्लिच हो रहा है। और यार आयरन गोलम को मैंने पहली बार ऐसे चलते हुए देखा है, वरना तो किसी और तरीके नहीं यार ऐसे ही चलते हैं। सो गाइस यार चलो यार वापस चल लेते हैं भाई, बारिश भी हो रही है, तो यार हमें बहुत कुछ करना है भाई विलेजर से डील करने के लिए। भाई मेरे पास एक भी एम्ब्रल नहीं है, तो यार मुझे जल्दी से एक बढ़िया सा शुगर कैन फार्म एक और बनाना पड़ेगा। वैसे तो शुगर कैन उसमें भी आते हैं, पर यार बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो यार मैं अभी डील करने भी चलूँगा, कार्टोग्राफर के साथ करूँगा सबसे पहले डील, क्योंकि इसमें से सारे मैंने इसमें पेपर भी रख दिए थे अपने आधे, तो चलो यार सारे सब कुछ शुगर कैन निकाल लेता हूँ भाई, और शुगर कैन बाद में आ जाएंगे। तो यार चलते हैं भाई, मेरे घर में भी एक स्टैक तो पड़ा ही है शुगर कैन का, तो यार चलते हैं भाई फिर इनके साथ डील करेंगे और एम्ब्रल भी कमाएंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ सबसे पहले यार वो क्या कहते हैं यहाँ से शुगर कैन निकालने कहाँ है। और गाइस अब मैं भाई नेदर में वापस तो जाना नहीं चाहता, पर यार जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहाँ से वेदर स्केल भी चाहिए, क्योंकि यार मुझे वेदर को स्पॉन करना है, पर यार वो तो दूर की बात है, मैं तो बता रहा हूँ मतलब ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो यार चलो यार पेपर बनाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बनने वाला है इनसे पेपर, तो यार अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो यार हमारे जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तो यार आप प्लीज़ यार सपोर्ट दिखा दो, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो यार प्लीज़ यार कर देना। तो यार यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा पेपर बनेंगे, 2-3 स्टैक तो बन ही जाएंगे। सो गाइस ये तीसरा स्टैक चल रहा है, हाँ बन जाएगा, चौथा स्टैक आधा बनेगा शायद, पता नहीं यार। तो यार हाँ चौथा स्टैक नहीं बना, अरे और भी है यार पेपर, हाँ भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो यार जल्दी से बनाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डील करेंगे और एम्ब्रल कमाएंगे। सो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो यार कर देना जल्दी से, नीचे लाल कलर का बटन है। यार ये बारिश बंद नहीं हो रही है, एक ये चीज़ है, सो भी नहीं सकते। तो चलो यार चलते हैं भाई विलेजर्स के बाद डील करेंगे वहीं पे। और हाँ गाइज वहाँ पे विलेज के पास एक डंजन है, तो गाइज उसमें एक ज़ोंबी स्पॉनर है, तो यार हम उसे ले सकते हैं यार, बताना कमेंट में ज़रूर कि सिल्क टच से ले सकते हैं क्या भाई, पता नहीं मुझे सिल्क टच से मिलेगा भी या नहीं, पर यार देखेंगे भाई, फिर से जाएंगे उस विलेज में। तो चलो यार विलेजर सो गए हैं, मतलब रात हो गई है, तो यार मैं भी सो जाता हूँ यहीं पे, मैं भी सो गया भाई। तो चलो यार कार्टोग्राफर से डील करते हैं, ये रहा भाई दो ही हैं कार्टोग्राफर, तो यार चलो यार ये दे रहा है ओशन मॉन्यूमेंट में, वैसे तो दूसरा भी दे रहा है, तो यार इसकी पहले लेवल अप हो जाए ना, सेकंड लेवल का हो जाएगा। तो यार ये वुडलैंड मेंशन का है ना गाइस, ये कौन सा है, सो गाइस ये है ओशन मॉन्यूमेंट वाला और ये है वुडलैंड मेंशन, तो यार इसकी लेवल अप कर लेते हैं भाई, थर्ड लेवल पे जल्दी से पहुँचाना है भाई, दोनों मैप मिल जाएंगे गाइस हमें, तो यार बहुत सारे
बहुत सारे एम्ब्रल मुझे शायद से मिल गए हैं भाई, पेपर अब रहे ही नहीं यार, 11 ही एम्ब्रल बचे हैं। तो यार कार्टोग्राफर भाई मुझे इसे जल्दी से लेवल अप करके दोनों मैप लेने हैं, एक है वुडलैंड मेंशन का और दूसरा है भाई, भाई दूसरा मैं आपको बता दूँ भाई, दूसरा वो है ओशन मॉन्यूमेंट का मैप। तो यार इनकी जल्दी से इसकी लेवल अप करनी पड़ेगी ताकि मुझे दूसरे मैप भी दे। सो गाइस हमारे पहले 11 एम्ब्रल्स। सो गाइस हाँ गाइस मैं फ्लेचर के साथ डील करने वाला हूँ स्टिक्स में। सो गाइस वो फ्लेचर है ना वो स्टिक में डील करता है, तो यार मैंने इसे इसे फ्लैचिंग टेबल दे दी है। सो गाइस जल्दी से चलते हैं और अपने पहले एम्ब्रल्स रखते हैं ऊपर। तो यार जल्दी से चलते हैं। तो यार फाइनली अरे एक क्रॉसबो क्यों रख रहा हूँ, एम्ब्रल्स रख दिए हैं अबे यार। तो यहाँ से स्टिक उठा लेता हूँ भाई जितनी, नहीं यार मुझे अभी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो पेपर रखता हूँ भाई। तो मेरा डायमंड का आर्मर को भी अनचेंट कर लेता हूँ भाई अंडरग्राउंड अपने रूम में जाके, फिर देखेंगे भाई क्या क्या मिलने वाला है उसमें अनचेंटमेंट। तो आज जल्दी से चलते हैं। और गाइस हाँ मुझे ना भाई और कुछ एनचेंट नहीं करना, मुझे अपना ये हेलमेट करना है क्योंकि इसमें ही वो वाली चीज़ें लगने वाली है, क्योंकि मैं ओशन मॉन्यूमेंट को भी करने जाने वाला हूँ। फायर प्रोटेक्शन मिल रही है भाई ज़रूर करता, पर मेरे पास इतनी ज़्यादा लेवल नहीं है। तो यार इसे वापस रख देता हूँ हेलमेट को। अबे यार हड्डी की रखाऊँगा, तो चलो भाई वापिस ऊपर चलते हैं। इसे बंद कर दूँ आज, बहुत दिनों से बंद नहीं करा। तो यार यहाँ पे भाई ये बोन खाते हैं, खाओगे भाई? यार इन्हें सिर्फ, चलो भाई इन्हें, तो यार चलो यार जल्दी से अपने वुल्फ को भी खाना दे देते हैं येलो, तो इसे कुक वाला दे देता हूँ। तो चलो भाई, तो यार ये जो आवाज़ आ रही थी तो यार इसे इग्नोर कीजिएगा। सो गाइस जल्दी से भाई, तो यार तीसरा वुल्फ भी आ गया, वो देखो पीछे छुपा हुआ है भाई, बैठ जाओ। अरे बैठो बैठो बैठो। सो गाइस ये रहा छुटंका सा, तो यार इसमें ये ऑलरेडी टेम्ड है क्योंकि टेम्ड की हुई थी। सो गाइस यार चलो तीन वुल्फ हो गए, तो यार कैट्स भी है मेरे पास। सो गाइस चलो यार ऊपर चल के देखते हैं भाई हमने कितना ज़्यादा काम करा है भाई। यहाँ पे एक आयरन गोलम है जो मैंने स्पॉन करा भाई, इन्होंने करा ही नहीं एक भी स्पॉन। तो यहाँ पे शीप्स है मेरी जिनकी मैंने अभी तक वूल भी नहीं ली। सो गाइस मुझे लगता है आज वाला एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है। सो गाइस मुझे पता है आज वाला एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है। सो गाइस यार आपको आज वाला एपिसोड कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस जिसने भी हमें इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया तो अभी जाए कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस यार आज वाला एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले गुड बाय।